चलो अभी इससे पहले पार्ट में देखा, जैसे हमने बेकिंग कर लिया, बेकिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अभी मुझे मेटल बनाना है। तो मैं आप लोग एक नोट्स लेके आऊँ, इस नोट्स को जैसे मैंने बनाया तो बनाने के बाद आपको आइडिया मिलेगा पहले स्टार्टिंग क्या करना है। यहाँ पे मैंने दे रखा देखो, अगर मैं चीज़ों को थोड़ा डिफाइन करूँ इजी को यहाँ पे, तो मुझे यहाँ सबसे पहले अगर मैं काम करता हूँ तो लेयर वाइज आपको कोई भी काम करना है तो पहला काम आपको क्या करना है, सब्सटेंस में जाओ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फोल्डर बनाओ, पहला काम फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है। फोल्डर हो गया, फोल्डर के बाद अभी जो भी मुझे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, जैसे मैं यहाँ पे मैं ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे, तो मैं जो काम कर रहा हूँ मेटल पे काम करूँ, मेटल पे यहाँ पे मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या, मेरे पास मटेरियल है, मटेरियल में मैंने यहाँ पे क्या आयरन किया, आयरन में आपको यहाँ पे कौन सा आयरन चाहिए, प्योर आयरन चाहिए, तो प्योर आयरन को लेफ्ट क्लिक करो, देन क्लिक एंड ड्रैग कर दो, ये पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया कि भाई आप ऐसे कैसे आयरन यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। आफ्टर दैट अगर जैसे मैंने कहा आयरन आपने यूज़ किया, आयरन यूज़ करने के बाद इसके अंदर हमें यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने चीज़ों को दिखाया कि भाई इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल लेना है, ठीक है। फिल के अंदर आप यहाँ पे क्या लेने वाले हो, यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाया है गंज मैप 12। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं ऐड फिल कर सकता हूँ, फिल मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे फिल में गंज मैप 12 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किस में लेने वाला हूँ ये भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने आपको दिखाया है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आयरन हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, आयरन लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे प्योर आयरन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। फिल यहाँ पे लिया, फिल में जाके मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे लेता हूँ, मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, कलर रफनेस मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे इन चीज़ों के अंदर मुझे मैप्स चाहिए, ठीक है। मैप में अगर मैं डाल दूँ रफनेस के अंदर डाल दूँ तो मुझे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे स्विच किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे रफनेस में यहाँ पे ग्रंज ग्रंज 12, ये ग्रंज 12 मैप में यहाँ पे देख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दूँ तो मैं यहाँ पे चाहिए ऐसे देखेंगे भाई, मैंने अगर यहाँ पे लिया तो मुझे किसके अंदर चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ, बस कलर गया, ठीक है, एंड हाइट एंड ऑल दोस थिंग, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करें, ठीक है। चीज़ें मैंने अच्छी की, यहाँ पर कलर को दोस्तों मुझे मैनेज करना पड़ेगा। कलर मैं जो मैंने रेफरेंस में ले रखा है, रेफरेंस को यहाँ से मैं पिक करके यहाँ से मैं तो ऐसे जैसे मैं जो ऐसा कुछ कलर ले तो मैं यहाँ पे दिखेगा क्या, ये आपको दिखेगा आपका कैसे क्या काम करना है। इसको जितना डार्क में लोगों डार्क में चीज़ें और बेटर देखेंगे यहाँ पे। देखो धीमे धीमे आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, जो नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे नहीं देना होता, देखो नीट एंड क्लीन में आपको यहाँ पे विजुअल हो जाएगा, ठीक है। तो कलर के साथ आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो, कलर के साथ आपको तो आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या काम करना है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ठीक है। इसके अंदर चीज़ों को एक चीज़ और भी दिखाया कि जैसे मुझे जो चीज़ें दिख रही है मैप बहुत बढ़िया से दिख रहा है, इसके अंदर मैंने मैप को अगर मुझे यहाँ पे मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं क्या, इसमें आप जाओगे, ठीक है, यूवी में गए, यहाँ पे होता है, ठीक है, ट्राई प्लानर, ये आपने देखा। तो इसके साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्केलिंग से आप मैनेज कर सकते हो कितना आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप ऐसे करके थोड़ा मैनेज करोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा यहाँ पर। चलो ये हमारे पास फर्स्ट लेवल में ये काम हो गया, उसका सेकंड लेवल में चलते हैं यहाँ पे। सेकंड लेवल में अगर हम चलते हैं तो सेकंड लेवल में मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये मैंने दिखाया है कि रफनेस में हम लोग ये मैप ले रखा है, बैलेंस आप मैनेज करना चाहोगे बैलेंस मैनेज कर सकते हो, करंज मैप 12 लिया है, ठीक है। देन बैलेंस को थोड़ा सा ऐसा कुछ मैनेज कर रखा है, तो ये चीज़ों को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेटल बनाने के लिए फुलफिल किया कि मुझे अगर मेटल बनाना है तो यहाँ पे देखो मेरे पास फिल पे गए, फिल पे मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, और देन ग्रंज मैप है मेरे पास यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे। तो मैं चीज़ों को दिखाऊँ कि मुझे कॉन्ट्रास्ट के साथ कैसे प्ले करना है, कितना आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करके चलता हूँ, अभी मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना था, ठीक है। दिस इज़ गुड, छोटे छोटे स्टेप्स आप यहाँ पे डील कर सकते हो आप यहाँ पे। आफ्टर डन यहाँ पे हम लोग, इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे एक लेयर लेना है, फिर से न्यू लेयर लेना है यहाँ पे, ठीक है। न्यू लेयर में यहाँ पे क्या लेने वाले, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा यहाँ पे मुझे यहाँ पे बेस कलर लेना है, उसमें एक रफनेस मैप लेना है, ठीक है। तो एक फिल लेयर में यहाँ पे ले सकता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे बीच में हाइट मैप भी देखा, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ को दिखाना है तो मैंने एक हाइट मैप का पार्ट भी रखा, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में दिया कि मुझे अगर हाइट मैप में मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे दो वन थिंग, एक न्यू लेयर लिया, ठीक है, न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कलर नहीं चाहिए, रफनेस मेटल ये कुछ नहीं चाहिए, हाइट मैप चाहिए, हाइट पे मैंने तो ऐसे किया। इससे पहले जैसे मैंने आपको देखा अल्फा मैंने कॉल किया, अल्फा में अगर जैसे मुझे यहाँ पे कुछ कॉल करना तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसा कुछ मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैं अल्फा बनाना बताया वो आप यहाँ से लेना चाहो ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ अगर आप अल्फा लोगे देन आप यहाँ पे क्या करते हो, जस्ट
ठीक है, ये आपने क्या किया, चीज़ों को मैनेज करो। तो यहाँ पे मैंने क्या करता है, यहाँ पे करता हूँ एड फिल लेयर एंड ब्लैक मास्क। पहले ब्लैक मास्क पे गए, ठीक है, यहाँ पे चीज़ आपको देखेंगे, आप यहाँ से चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करके आप दिखा सकते हो, भाई मुझे ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा आपको देखोगे तो आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे वो कैसे आप क्या काम करने वाला, किस टाइप से काम करने वाला, क्या स्पेसिंग है, कैसे आप चीज़ को जैसे मैनेज करना चाहोगे मैनेज करके आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ पार्ट ऐसा ऐड ऑन कर दिया, मुझे ऐसा कुछ शेप चाहिए, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे बारीकी से आप डील कर सकते हो। मैंने एक रफली एक चीज़ को मैंने ले रखा है, बना रखा है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो इस टाइप की चीज़ों को मुझे अगर निकालना पड़े तो मैं ऐसा कुछ निकाल के दिखा सकता हूँ। मेरा जो डेप्थ है वो डेप्थ मैं ऐसे करके भी मैनेज करके दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पर चाहिए देखें, यहाँ पे देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे, तो प्रॉपर मैनेज करके करोगे तो आपको यहाँ पर चाहिए दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर ऐसे अरेंज कर दूँ, मैं बस ये पार्ट ऐसे देख जाएगा। मैंने हाइट मैप के लिए यहाँ पे एक अल्फा का पार्ट भी मैंने दे दिया। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं आफ्टर डन। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मैं एक और फिल ले लेता हूँ, फिल लेयर मैंने एक लिया। ठीक है, इसके अंदर चीज़ों को मुझे कुछ मैनेज करना है तो मैंने एक फिल लेयर लिया यहाँ पे। ठीक है, फिल लेयर के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कलर में थोड़ा सा डार्क देने वाला, तो मैंने थोड़ा सा डार्क सेम चीज़ जो रेफरेंस के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे कलर के साथ में थोड़ा सा जाना चाहूँगा, तो मैं थोड़ा सा डार्क मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, डार्क में आपको चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि किस टाइप से चीज़ें हैं। आफ्टर देन इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे मैंने इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ब्लैक मास्क एंड यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, रफनेस के अंदर मैंने एक पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड ऐड फिल एंड ब्लैक मास्क, यहाँ पे ब्लैक मास्क किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक मास्क करने के बाद मुझे यहाँ पे रफनेस के अंदर मुझे ग्रंज स्टेन हॉलो डालना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके रफनेस ये पार्ट देखना यहाँ पे, रफनेस में क्रंच स्टेन यहाँ पे मैं चीज़ों को इसमें कुछ ले सकता है। अगर मैंने चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिया तो मैं बस चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल होगा कि मैंने यहाँ पे चीज़ों को दिखाया कि मैंने यहाँ पे कुछ किस टाइप से मैनेज कर रखा है। यहाँ पे एक ब्लैक एंड यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट भी आपका यहाँ पे कुछ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे मैंने एक पार्ट और यहाँ पे ले रखा है यहाँ पे फिल में। ठीक है, बी एन डब्ल्यू जो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने किया जैसे मैंने एट फिल लेयर यहाँ पे आपको बी एन डब्ल्यू आप कर दोगे तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे बी एन डब्ल्यू यहाँ पे देखो, ठीक है, नंबर्स मैंने देखा बी एन डब्ल्यू, अगर आप देखो तो बी एन डब्ल्यू टू है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बी एन डब्ल्यू टू, इन चीज़ों को देखो तो यहाँ पे कोई थोड़ा सा स्केचेस एंड ऑल दोस्त यहाँ पर मिलेगा क्या, कैसे आप क्या काम करने वाले हो, बैलेंस आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, कितना आपको बैलेंस देना है। ठीक है, कैसे आप चीज़ को मैनेज करना चाहते हो मैनेज करके दिखा सकते हो। स्पॉट्स में यहाँ पे देखें, यहाँ पे कलर्स, कलर को आप यहाँ पे थोड़ा डार्क एंड दिखा सकते हो, ये चीज़ को आप थोड़ा सा मैनेज करो तो आपको यहाँ पर चीज़ देखेंगे। देखो यहाँ पे धीमे धीमे आपको ओल्ड मेटल बनाने का टेक्निक पता चल जाएगा, तो कैसे कैसे क्या क्या काम करें, तो इन सब चीज़ों का बनाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा मेटल कैसे बना रहे। देखो मेटल का पार्ट, ये पार्ट आपको मिल रहा है, आपने चीज़ों को मैनेज कर दिया, साइजेज हैं साइजेस के साथ, और जैसे यहाँ पर यहाँ पे इसके बैलेंस है, बैलेंस का तो आप मैनेज कर सकते हो, मेटल कितना दिखाना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया, इसके बाद मैं स्विच करता हूँ, वापस मुझे जाना है यहाँ पे। ठीक है, ये दिखाया मैंने यहाँ पे, देखो किस चीज़ को बैठ के बनाओगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। उसके बाद एक फिल लेयर और लिया, फिल लेयर में हम लोग देखे तो मैंने एक फिल लेयर लिया यहाँ पे, जो फिल लेयर यहाँ पे। ठीक है, फिल लेयर के लिए राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन चीज़ों का देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे फिल लेयर में आपको दिखाया कि यहाँ पे फिल लेयर है, फिल लेयर के अंदर आपको यहाँ पे क्या देना है, जो एक नॉर्मल सा कलर। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इस फिल लेयर के अंदर आपको जनरेटर यूज़ करना है। ठीक है, एंड जनरेटर के अंदर, ठीक है, जनरेटर के अंदर आप देखें, जनरेटर में आपको यहाँ पे चीज़ों को क्या यूज़ करना है, मेटल एज वेयर। तो अगर आप इन चीज़ को यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पार्ट है यहाँ पे, एंड यहाँ से ऐड जनरेटर कर दिया। जनरेटर में आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक एंड वाइट वेयर करके। ठीक है, आप यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे मेटल एज वेयर करके भी सर्च करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एम ए टी ए एल मेटल एज वेयर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कलर आ जाएगा, आप यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रास्ट में क्या कलर देना चाहते हो, ये कॉन्ट्रास्ट में आपको जो कलर है आप यहाँ पे
दे सकते हो, जैसे ये पार्ट आपने देते आपको यहाँ पे ये अलग से विजुअल हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा माइंड में रखोगे तो आपको यहाँ पे देखा भाई मुझे कॉर्नर के पार्ट, ये जो कॉर्नर पार्ट बनाना में और रखने में बहुत टाइम लगता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ के अंदर बहुत बढ़िया देर रखा, देखा भाई ये हल्का सा मैंने हाइट का भी थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा पुराना दिखाना है। देन मैंने यहाँ पे क्या क्या रफनेस, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने मैनेज करता हूँ। मेटलाइजर में गया यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको थोड़ा सा देखो यहाँ पे इस टाइप का डिटेल लेना, तो वैसे भी दे सकते हो आप यहाँ पे। देन यहाँ पे जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, कलर कॉन्ट्रास्ट मैंने यहाँ पे लाइट कलर ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा इसी से जैसे यहाँ पे पिक किया मैंने, यहाँ पे यहाँ मैंने किया इसका थोड़ा सा लाइट वर्जन देना है क्या, तो आपको थोड़ा दूर से भी आपको थोड़ा बेटर देखेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे आप जो मैंने जैसा करोगे तो आपको साइड में मिलेगा कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। हल्का सा मैंने हाइट के साथ भी प्ले कर दिया तो आपको चीज़ मिल जाएंगे यहाँ पे। चलो इसके बाद आफ्टर देन देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा पार्ट, एक न्यू लेयर लिया है। न्यू लेयर में अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने साबुन किया यहाँ पे, ठीक है। तो मेटल का पार्ट अगर मुझे बनाना तो मैं तो चीज़ों को ऐसे में मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो स्विच टू हेयर, एक लेयर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लेयर के अंदर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने एक शार्पन यहाँ पे ले रखा है। तो शार्पन आएगा कैसे, ठीक है। तो जो चीज़ मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, इसके अंदर आपको ऐड फिल्टर करना है। ऐड फिल्टर में जाकर आप यहाँ पे ये शार्पन आपको देखिए यहाँ पे, तो शार्पन अगर आपने लिया और देन इसके अंदर मुझे यहाँ पे शार्पन देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे व्हाट आई वॉन्ट कलर एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे देखना है कहाँ गए मैंने पे जो शार्पन दे रखा है। शार्पन में यहाँ पे इसको मैंने पास थ्रू कर रखा है एंड 48% यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ, स्विच टू हेयर, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड भी यूज़ करना पास थ्रू, ठीक है। एंड यहाँ पे चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे चीज़ मेरे पास यहाँ पे है। अभी मुझे यहाँ पे कलर वाइज में चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, कलर मुझे नहीं चाहिए। देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे आप देखो इसको मैं ऑफ करके देखो यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी तो वो चीज़ को मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ ओवरऑल, ठीक है। ओके, जो चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये फोल्डर मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे एंड देन, ठीक है, चीज़ को मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ। मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे मैंने अलग अलग कलर वाइज में चीज़ों को मैनेज किया। देन एक सिंपल सा आप मेटल का आप मटेरियल आप यहाँ पे दे सकते हो आप यहाँ पे,